सुप्रभात बच्चों, आप लोगों से कुछ दिन कटा रहा। शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियां, प्राकृतिक भी, लेकिन इन बातों से उबरकर पुनः मैं आपके सामने हूं, आपके साथ हूं और अपना संकल्प के अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम जहां तक आपको छोड़े थे, अर्थात हम लोग सिलेबस के जिस खंड तक पढ़ लिए थे उससे आगे की पढ़ाई के साथ, उससे आगे के कंटेंट के साथ हम आपके बीच हैं। बच्चों, जब हम लोग फर्स्ट टर्म की यात्रा पूरी की थी तो हम लोगों ने पौधों में नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां क्या था, केवल रासायनिक नियंत्रण थी वहां पर और केमिकल, और ये जो कंट्रोल थे वो किसके द्वारा हो रहे थे, हार्मोन्स के माध्यम से हो रहे थे और पौधों में हो रहे थे, इसलिए इसको हम लोग फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन के माध्यम से पौधों में नियंत्रण और समन्वयन को देखे थे। आज हम लोगों को जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन देखना है, तो फंडामेंटल डिफरेंस पौधे और जंतु में क्या है, इसको आप एक लाइन में समझें कि जहां पौधों में केवल और केवल, ध्यान रखेंगे, पौधों में जहां केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल की बात थी और उसके लिए एजेंट की भूमिका निभा रहे थे पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, वहीं जंतुओं में दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वयन की व्यवस्था है, एक तंत्रकीय और दूसरा रासायनिक। रासायनिक यहां भी हार्मोन के द्वारा ही कंडक्ट होगा, लेकिन उससे पहले एक अन्य जो आपके लिए नया नियंत्रण और समन्वय है वो तंत्रकीय नियंत्रण और समन्वय है, इसको हम देखते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, अब आप थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट की तरह अपना चिंतन विकसित करें तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर एनिमल है, उसमें तो बहुत नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो डेवलप्ड एनिमल है, विकसित जंतु है, और उसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप स्वयं, हम स्वयं हैं, मतलब मनुष्य एक रिप्रेजेंटेटिव मान ली जाए जंतुओं का, तो मनुष्य में जो नियंत्रण और समन्वय है उस पर थोड़ा आप चिंतन करें, आप गौर करें। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बात कर रहा हूं, एक मच्छर धीरे से मेरे पैर पर बैठ जाता है, मैं आपसे रूबरू हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मच्छर को तो देख नहीं रहा हूं, लेकिन वो मच्छर अगर धीरे से हमारे पैर पर बैठ जाए और वो अपना दंश चुभोए तो अचानक हम उसको फील करते हैं, करते हैं ना, तो यह कंट्रोल, और फील करते हैं, उसको मार देते हैं, हटा देते हैं, तो यह भी एक टाइप का कंट्रोल है। यह कंट्रोल कैसे होता है इस पर विचार करेंगे हम लोग। कुछ कंट्रोल, आप लोग आज से 5 साल पहले आप अपने लाइफ को देखें तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, जो आपके शरीर में हॉर्मोन्स के कारण। आप 5 साल के बच्चा को मूंछधारी होते नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह बच्चा 12 से प्लस बढ़ता है, 12 से 15 की उम्र की ओर बढ़ता है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके आवाज में परिवर्तन होता है, उसके शरीर में बाल निकलने लग जाते हैं, और भी इंटरनल चेंजिंग है जो होते हैं, ये सारे कंट्रोल रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, और जो मच्छर काटा और हमको सूचना मिली, यह तंत्रकीय नियंत्रण और समन्वय का उदाहरण है। अब
इसके निष्कर्ष के रूप में सबसे पहली बात जो आप जाने कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन दो प्रकार के होते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण समन्वय, जबकि पौधों में केवल एक प्रकार का नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण। अब हम लोग बारी बारी से इसको कंसंट्रेट करेंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण को देखें, आप दो अंगों का नाम सुने होंगे, आज उससे मैं आपको विधिवत परिचय करा रहा हूं। मस्तिष्क, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, और दूसरा मेरुरज्जु, नोटोकॉर्ड। ये दो नाम आपने सुने हैं, हम डिटेल बाद में करेंगे, पहले आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण क्या है। तो आप पूरे शरीर में पैर के अंगूठा से लेकर माथे तक, हाथ के अंगुली से लेकर सुदूर शरीर के सभी अंगों तक, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं, आप ध्यान रखेंगे, एक विशेष कोशिका जिसको आप स्पेशल टाइप ऑफ सेल कह सकते हैं, कि एक जाल बुनी हुई है। इस विशेष कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा तीसरे से जुड़कर पूरे शरीर में एक नेटवर्क बनाए हुए है, और वह नेटवर्क मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार शरीर के तात्कालिक, सडन और जो अन्य प्रकार के कंट्रोल हैं, उसमें यह तंत्रिकाओं का जो जाल है, ये न्यूरॉन से, जिसको हम एक तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, तो इन तंत्रिका कोशिकाओं का जो एक जाल बना, उसको हम तंत्रिका जाल कहेंगे। इस तंत्रिका जाल और उसके कंट्रोल, तंत्रिका जाल की एक्टिविटी को देखने और कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु उसके नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करते हैं। आप महसूस करें, कल्पना करें कि आपके पैर में कोई शीशा चुभता है। अब चुभता है जैसे ही, तो पैर आपका अचानक ऊपर आता है। कौन उसको ऊपर ला रहा है, कौन उसको ऊपर भेज रहा है? तो इसके अंदर काम क्या होती है कि वहां से जो नेटवर्क है तंत्रिकाओं का, वह ब्रेन को सूचना देती है कि कांटा चुभ गया। ब्रेन उस सूचना को एनालाइज करती है, विश्लेषित करती है, और फिर वो अंग को रिस्पॉन्सिबल करती है कि अब पैर को उठाओ, पैर को उठाओ, ब्रेन का ऑर्डर है। तो इस प्रकार आपके शरीर का कंट्रोल, डिफरेंट ऑर्गन्स के कंट्रोल, आपके, आप इधर मैं बात कर रहा हूं, कोई जलती हुई अगरबत्ती लेकर आके पीछे से हमको सटा दे, तो फील करेंगे ना, तो फील करेंगे और पीछे आगे बढ़ेंगे, मतलब उससे दूर जाना चाहेंगे। यह स्वतः नहीं होता है, यह इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, सूचना ब्रेन को मिलती है कि जल रहा है, ब्रेन एनालाइज करता है, ब्रेन कहता है कि आगे भागो। इस प्रकार हमारा शरीर नियंत्रित होता है। तो एक नियंत्रण इस प्रकार के तंत्रिकाओं के माध्यम से जो नियंत्रण होता है, उसको तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। इस नियंत्रण को आगे समझने के लिए हमें न्यूरॉन की रचना पढ़नी पड़ेगी कि न्यूरॉन का स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार हमारे तंत्रिकीय तंत्र की रचना करती है। दूसरा, रासायनिक नियंत्रण से आप परिचित हैं। पौधों में हम लोगों ने देखा कि वहां डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, और वे हार्मोन अलग अलग क्रियात्मक रूप से पौधे के डिफरेंट कामों, कोई पौधे को बढ़ाता है, कोई पत्ता को खिलाता, मैंने बड़ा करता है, कोई फूल को खिलने में करता है, कोई फूल
फल लगाता है, कोई फल पकाता है, डिफरेंट टाइप है, उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। सिमिलरली हमारे शरीर में भी हमारी जो जैविक क्रियात्मकता है, जैविक क्रिया है, वह कंट्रोल और परिवर्धित हो सके, इसके लिए रासायनिक नियंत्रण अनिवार्य है। और रासायनिक नियंत्रण जैसे पौधों में बाय द हार्मोन्स हुआ था, वैसे मनुष्य में भी रासायनिक नियंत्रण की क्रिया हार्मोन के माध्यम से ही होगी। स्पेशल अंतर आएगा क्या कि मनुष्य में जो हार्मोन का उत्पादन होगा, मनुष्य में जो हार्मोन बनेंगे वह एक विशिष्ट अंग से बनेंगे जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, आप लोग सुने होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड अलग अलग हार्मोन का उत्पादन करते हैं और अलग अलग हार्मोन हमारे अलग अलग गतिविधियों का नियंत्रण करती है। इस प्रकार हार्मोन के माध्यम से जो नियंत्रण होता है वह रासायनिक नियंत्रण है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो जंतुओं में दो प्रकार के नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। इसमें नियंत्रण और समन्वय तंत्रिकाओं के माध्यम से, जिसकी इकाई रचना न्यूरॉन, उसका अलग से अध्ययन करेंगे हम लोग। रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के माध्यम से, हार्मोन का उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथि से, और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज यही समाप्त कर रहा हूं आपसे, ये मेरा आग्रह होगा कि ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रासायनिक नियंत्रण के अंदर का जो हार्मोन की बातें पढ़नी है, या जो न्यूरॉन है, यह न्यूरॉन अपने आप में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, न्यूरॉन की रचना और कार्य, तो इसको गंभीरता से लें। और ओवरऑल आपको यदि लगता है कि यह हमारे मटेरियल हमारे पढ़ाई को बेहतर करने में सपोर्ट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।